पहले देश के खिलाफ प्रोटेस्ट, अच्छा उसके बाद जेल हो जाती है, तो जेल से अपने गद्दार दोस्त को बचाने के लिए प्रोटेस्ट। एक्चुअली मैंने आज बैठ के इनका सिनेरियो देखा कि एक्चुअली इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, लोग ऐसा करते क्यों है, और ये सारी चीजें जेएनयू में ही होती है। सर जेएनयू में जो हॉस्टल की फीस है ना वो 240 रुपये, फीस तो इनकी कुछ है ही नहीं, ठीक है। कोर्सेज जो है ना तो कोई टेक्निकल है, ना कोई इंजीनियरिंग है, ना कोई डॉक्टरी है, ना कोई फैशन डिजाइनिंग है, कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कोर्स नहीं है जिसके अंदर इन्हें पढ़ाई करके कल को नौकरी कमानी हो, या इन लोगों ने एजुकेशन लोन की इनको जरूरत है नहीं, फ्री में सरकार खर्चा उठा रही है। एग्जैक्टली देखा जाए तो जिस तरह के कोर्सेज ये लोग पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स से लेने जिनकी ये बातें करते हैं, भाई ना तो कार्ल मार्क्स ने हमारे देश को आजाद कराया है और ना कार्ल मार्क्स हमारे बॉर्डर पर खड़ा है। तुम लोग के साथ प्रॉब्लम ये हो गई है, 240 रुपये का हॉस्टल, 25 रुपये की तुम्हारी स्कूल की फीस है, उसके बाद 2 रुपये का तुम 5 रुपये का पराठा खा लेते हो, गंदे से तुम्हारे बाल हैं, उसके बाद स्मोकअप करके यहां तक का कुर्ता पहन के गंदी सी चप्पलें नीचे लेके खड़े हो जाते हो, उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम देश को आजाद करा दो। कोई देश को आजाद कराने की बात नहीं कर रहे भाई, सुधर जाओ यार। अगर तुम्हारे सर पे फीस होती ना और एजुकेशन लोन करना पे करना होता तो जैसे एमबीए के बच्चे करते हैं, बीटेक के इंजीनियरिंग के बच्चे करते हैं, कभी देखा तुमने आज तक किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रोटेस्ट करते इस तरीके से? या तुमने कभी देखा कोई सफदरजंग मेडिकल कॉलेज आके उठ के प्रोटेस्ट कर रहा है कि यार हाँ अफजल गुरु को आजादी दो, या कोई एम्स आगे प्रोटेस्ट कर रहा है? क्यों, किसी के पास कोई टाइम नहीं भाई, कोई तुम्हारी तरह खाली नहीं है, तुम्हें दिन भर से प्रोटेस्ट सूझता है किसी भी बात को लेकर। सर जेएनयू प्रोटेस्ट करेगा क्यों? क्योंकि साल के पास कोई काम नहीं कती, तुम कहीं चले जाओ जेएनयू में पराठा खुला रहेगा, ये अठा खुला रहेगा। साल इनके पास 18 तो हॉस्टल है, बता दो कौन से कॉलेज के अंदर 18 हॉस्टल होते हैं? हम भी अपने कॉलेज में पढ़े यार, हॉस्टल साला मिलता नहीं था, इनके पास 18 हॉस्टल है। कैन यू इमेजिन, जिसमें से गर्ल्स बॉयज मिक्स भी हैं, बॉयज के अलग हैं, ये हैं, और फीस 240 रुपये। एक बार स्क्रॉल डाउन करके देखो इनकी वेबसाइट पर, कोर्सेज देखो, एक भी कोर्स टेक्निकल नहीं जिसको करने के बाद इनकी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट होती हो। ये सारे वो वाले लोग हैं, एमएससी करना है तो पढ़े रहेंगे, इन्होंने फिर पीएचडी करनी तो 8-8, 10-10 साल इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े रहेंगे। भाई साहब इनके पास काम नहीं होता ना, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो ये वो खाली दिमाग शैतान का घर है। इन्हें वो सारी चीजें उल्टी उल्टी सोचती हैं, चलो देश को आजाद कराते हैं। अबे तुमने देश को आजाद कराया, अबे जेएनयू बनी थी देश के बाद, ठीक है, जेएनयू पहले है कि देश पहले है? और किस बात की सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रहे हो तुम? तुमने सारा चूतियापा फैलाया हुआ है पूरे कंट्री के अंदर, पूरा रायता फैलाया हुआ है, शर्म नहीं आती क्या तुम लोग को? भाई जाओ काम करो, नौकरियां ढूंढो और प्रोफेशनल हो जाओ प्लीज, हम लोग की जान बख्शो, नहीं तो हमें धरनों पे आना पड़ेगा। धरने तुम ही लोग इसलिए करते हो कि तुम लोग खाली हो, हम लोग खाली होते ना हम तुमसे ज्यादा रोड पे आ जाते, क्योंकि तुमने जो चूतियापा मचाया हुआ ना, ये देशद्रोह है सीधे, एंटी नेशनल बोलते हैं इसको, क्योंकि तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो। तुम्हारे चक्कर में वो सही फईद जो है वहां पे, हफीज सईद, उसने कमेंट दे दिया कि जाओ मेरे पाकिस्तानी भाइयों जेएनयू को सपोर्ट करो। क्यों? वो ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से लोग आके तुम्हें सपोर्ट करने वाले हैं, वो ये कह रहा है कि जो भारत में पाकिस्तानी बैठे हैं ना वो जाओ जेएनयू सपोर्ट करो, और वो पाकिस्तानी और कहीं नहीं है, तुम्हारे जेएनयू के अंदर ही है। हमें जेएनयू की क्रेडिबिलिटी पे हमें कोई पूरा कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी पढ़ाई होती होगी, लेकिन इस तरह की पढ़ाई, इसे जेएनयू कहते हो? भाई माफ करो, बंद कर दो ऐसे जेएनयू।